ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा। पीपल हु हैव डॉटर्स विल अंडरस्टैंड इट। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती। पहली बात, ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है, पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट अ बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। थैंक यू सर, मैं आपसे एक अनुरोध, जो धक्का, जो असली धक्का लगा, धक्का छोड़िए, जो अनइमेजिनेबल उस परिवार को लगा। आप सोचिए, आपकी बेटी है, यू हैव अ सन, यू डोंट हैव अ डॉटर, सो मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। पीपल हु हैव डॉटर्स विल अंडरस्टैंड इट। यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द रेप एस्पेक्ट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इंडियन वुमेन हैव टू डील विद। यू विल सर्टनली अंडरस्टैंड द मर्डर एस्पेक्ट। सपोज समवन किल्ड योर सन, एंड देन व्हेन यू वेंट फॉर जस्टिस, दे लॉक्ड यू अप इन योर हाउस, एंड देन द डीएम केम टू योर हाउस एंड किक्ड यू एंड थ्रेटन्ड यू एंड टोल्ड यू दैट इफ यू ओपन योर माउथ, द इंटायर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विल सॉर्ट यू आउट, एंड देन टोल्ड यू डोंट वरी, ऑल दीज प्रोटेस्टर्स दे विल गो अवे, राहुल गांधी विल गो अवे, बट वी विल बी हियर। नाउ यू गेट अ फीलिंग, गेट अ सेंस ऑफ हाउ यू वुड फील, दैट इज हाउ दैट फैमिली फेल्ट। दैट इज व्हाई आई वेंट देयर, बिकॉज आई वॉन्टेड दैट फैमिली टू नो दैट दे आर नॉट अलोन। मैं इसलिए वहां गया था। पीपल हु हैव डॉटर्स विल अंडरस्टैंड इट। और मैंने परिवार से कहा, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग, पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया, फिर आपने जीएसटी कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया, मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला, उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी, कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो 100-200 लोग वैसे ही मर गए। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है ये देश। और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहा है। अब देखिए, समझ किसको है किसको नहीं है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाएगी।
समझ किसको है ये तो आपको जज करना है, मैं तो नहीं कहूंगा। एक व्यक्ति कहता है 22 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको ये भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है। उस टाइम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब मैं आपको बता रहा हूं और आप लिख के ले लीजिए, आज भी मजाक उड़ाएंगे, मगर 6 महीने बाद याद रखना जो मैं आज कह रहा हूं। दो चीजें आपसे कहूंगा, पहली बात, यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, नरेंद्र मोदी ने ढांचा तोड़ दिया है। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.